पार साहब से बिगड़ते रिश्ते ने अपनी जिंदगी के सबसे खराब दौर में लाकर खड़ा कर दिया। अब किसी और के आने से हमारी जिंदगी और बिगड़ती है या सवरती है। अच्छा सुनो, पार्वती जी कहाँ है? पार्वती जी आज जो कपड़े पहनने वाली थी उन्हें वो ठीक करवाने वाली हैं। चिंता का कोई विषय नहीं है, उन्हें अपना संवाद याद है। ठीक है। अच्छा आयान जी, आप एक बार मेरे साथ शिवजी की लाइंस बोलकर देख लीजिए। समय कम है तो मैं ही आपके साथ पार्वती जी की लाइंस कर लेता हूँ। इतनी जल्दी हम जितने अच्छे से रिहर्सल कर सकें हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। और बस अंतर इतना होगा कि मंच पर मेरी जगह आपकी पार्वती जी होंगी। प्रेम, मेरे लिए इस शब्द के मायने आपसे ही है स्वामी। शिव से ही शक्ति का अस्तित्व है। मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों के फल स्वरूप आप मुझे मिले। आपके बिना इतने जन्म मैंने किस पीड़ा में व्यतीत किए हैं ये केवल मेरा हृदय जानता है। और जब मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो गया है तो बिना इसके एक क्षण की भी कल्पना करना मेरे लिए असंभव। तुम्हारे बिना इस संसार की कल्पना तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। माँ, कैलाश के इस वीराने में बसने वाले, भूत पिशाचों के संग भ्रमण करने वाले के भाग्य में तुम जैसी संगनी भी होगी, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। किसी के भाग्य में ऐसा सुख भी लिखा जा सकता है, ये तो मेरी समझ के परे था।